आज मैं बनाऊंगी कोलकाता स्टाइल हलीम। क्या आपको पता है कोलकाता का हलीम और बिरयानी इतना फेमस हो गया है कि सिर्फ जो रोजा रखते हैं या फास्टिंग करते हैं वही लोग नहीं, हर एक कम्युनिटी से, अलग-अलग शहर से, अलग-अलग जगह से ढेर सारा ऑर्डर आ रहे हैं। और ये हलीम का रेसिपी मैं सीखी हूँ यहाँ के एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट का हेड शेफ से। आप इसे बरिस्ता, सिल्वर ऑफ जिंजर और जैसे कि रोटी, नान या बकरकानी के साथ आप इसको परोस सकते हैं। और इसे आप एक दफा बनाकर घर पे देखिए, इसी तरीका से सबको इतना पसंद आएगा। और मेरा चैनल का नाम है शेफ एंड टेक नेहा। ये सबको मैं रात भर भिगोई थी, जैसे कि चना दाल 50 ग्राम, ग्रीन मूंग दाल 50 ग्राम, रहर दाल 50 ग्राम, मूंग दाल 50 ग्राम, उड़ीद दाल 50 ग्राम, मसूर का दाल 50 ग्राम और कुटी हुई राइस। यहाँ पर गेहूं भी सेम रेशियो में जाता है। अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो मेरा शेफ ने बताया एक ऑल्टरनेटिव जो मैं वीडियो का आखिरी में आप सबके साथ शेयर करूंगी। अब ये सारा दाल को मैं नमक और हल्दी देके बॉईल कर लूंगी। एक या दो सीटी में ये बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो जाता है। अब मैं इसे एक दूसरा बर्तन में शिफ्ट कर लूंगी। मैं यहाँ पर छोटा छोटा पीसेस में मटन का टुकड़ा ले ली हूँ और इसे मुझे मैरिनेट करना है। 250 ग्राम खट्टा दही, 2 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चा का पाउडर, मीट मसाला जो बाजार में आपको कोई भी कंपनी का मिल जाएगा, थोड़ा सा धनिया जीरा का पाउडर और गरम मसाला या तो फिर बिरयानी का मसाला, आपको जो भी आपको मिल जाए, नमक स्वाद अनुसार, शुगर 1 चम्मच, थोड़ा सा केवड़ा पानी। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके मुझे 1 घंटे के लिए रख देना है। अब मैं 2 बड़ी साइज के ओनियन को यहाँ पर गोल्डन फ्राई कर लूंगी मुझे यहाँ पर ये मटन को पकाना है। मैं यहाँ पर उसी प्रेशर कुकर में ये मैरिनेटेड मटन, साथ में गोल्डन फ्राई किया हुआ ओनियन, रिफाइन ऑयल, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं कटोरी धो के पानी का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ। हम लोग इंडियंस तो कोई भी सामान या कोई भी चीज़ को बर्बाद होने नहीं देते हैं, तो कटोरी में जो मसाला लगा हुआ है उसे क्यों फेंक दें। 7 या 8 सीटी के बाद ये अच्छी तरह से गल जाएगा और इसे मुझे मिला देना है जो मैं दाल बॉईल करके रखी थी ना, उस दाल में। इसको अच्छी तरह से चलाना है ताकि मटन का जो रोगन है और दाल, हर एक फ्लेवर अच्छी तरह से मिल जाए। और इसे 10 मिनट के लिए कुक करना है। अब गैस बंद करके इसके ऊपर में आप कसूरी मेथी, थोड़ा सा मीठा अतर, 2 या 3 बूंद गरम मसाला का पाउडर डाल के इसे रख दीजिए और गरम गरम सर्व कीजिए अदरक का जूलियंस के साथ। अब मैं बताऊंगी कि गेहूं के बदले में आप चाहें तो डालिया भी आप सारा दाल के साथ बॉईल कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।